यह अनुजेश प्रताप सिंह हैं। बीजेपी ने मुलायम के दामाद पर दांव लगाकर करहल की लड़ाई को रोमांचक बना दिया है। करहल से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हैं, जो मुलायम के पोते हैं। यानी इस बार मुकाबला फूफा और भतीजे के बीच होने वाला है। करहल सीट को वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने इसीलिए सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई को चुनावी मैदान में उतार कर सबको चौंका दिया। मम्मी विधायक रही है, मेरे परिवार भी और भी यहाँ से विधायक रहे हैं। जनता मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती है। मैंने निष्ठा से जनता के साथ नीचे गरीब लोगों के साथ रहकर मैंने काम किया है। करहल की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट साख का सवाल है। अब देखना है कि फूफा अनुजेश भारी पड़ते हैं या फिर बाजी भतीजे तेज प्रताप मारते हैं, जो पूरे यादव परिवार के सामने नामांकन का पर्चा दाखिल कर चुके हैं। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि 1993 के बाद 7 में से 6 सीटों पर साइकिल की जीत हुई। केवल 2002 में भाजपा का कमल यहाँ खिला था, लेकिन तब भी यादव उम्मीदवार था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यादव परिवार के अनुजेश पर दांव लगाकर इतिहास दोहराना चाहती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.